से भाजपा सत्ता में आई है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रणाली है, तमाम चीज़ को कुतर कुतर के ख़त्म करने में लगी हुई है और देश में एक फांसीवादी अलोकतांत्रिक पुलिस राज बनाने की उनकी कोशिश चल रही है। उसी कड़ी में बिहार में इस बार की जो सरकार आई है, भाजपा जिसके सेंटर में अभी है, उसने एक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक विधानसभा में उसने टेबल करने की कोशिश की और विरोध की वजह से वो कर नहीं सकी। ये बहुत ही खतरनाक कानून है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कानून की बदौलत वहाँ एनकाउंटर राज स्थापित हो गया है और इसमें भी इसी तरह के प्रावधान है कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के, महज शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी के यहाँ छापामारी की जा सकती है और गिरफ्तारी छापामारी के बाद जो एक नॉर्मल जो स्थापित परंपरा है कि कोर्ट को सूचित करना होता है कि भाई हमने फलां को गिरफ्तार किया है, कोर्ट के हवाले आप करते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इतना ही लिखा हुआ है कि उच्चतर अधिकारी को और निकट के थाना को, थाना कौन सा होगा, इनका अपना थाना होगा जो कोई दूसरा थाना होगा, कुछ भी क्लियर नहीं। इस तरह से समूचा मामला बहुत ही अपारदर्शी है और एक पुलिस राज बनाने की बात है। इसमें सबसे खतरनाक बात है कि कोर्ट का वो ये अधिकार नहीं है कि कोई विशेष सशस्त्र पुलिस बल का कोई अधिकारी कुछ गलती करता है तो उसके खिलाफ वो कुछ संज्ञान नहीं कोर्ट ले सकता। संज्ञान लेने के लिए उनको कोर्ट से, ये सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि कोर्ट ऊपर है, सरकार उसके मातहत है, लेकिन अब इस कानून के तहत सरकार ऊपर है और कोर्ट मातहत है, सरकार से पूछने के बाद ही कोर्ट कुछ कर सकता है। ये समूचा का समूचा मामला समझते हैं कि घोर अलोकतांत्रिक है और एक पुलिस राज स्थापित करने की कोशिश है। जब से इस बार की सरकार आई है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक स्पेस है उस पर हमला चल रहा है। सबसे पहले तो ये काम चलने नहीं दिया जाएगा और आगामी 13 तारीख को जब विधानसभा में इसको फिर से टेबल करने की कोशिश होगी, 23 तारीख को ये टेबल करने की कोशिश होगी, तो पूरा विपक्ष मिल करके इसका विरोध करेगा और हम लोग इसके खिलाफ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और कल 22 तारीख को पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालय, तमाम चट्टी बाजार पर इसकी प्रतियां जलाई जाएंगी और 23 तारीख को जो भगत सिंह का शहादत दिवस है उस दिन भी जगह जगह जो प्रोग्राम होंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम हम थोड़ा बता भी देना चाहते हैं कि देख लिया जाए कि इसका कानून जो दिया है इसमें देखिए शुरू में शांति भंग की बात की गई, ये शांति भंग की संभावना के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। आगे देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बिना उनके गिरफ्तार करने की शक्ति, ये सातवें क्लॉज में। इसके बाद देख लीजिए ये इसका जो आठवां क्लॉज है, बिना वारंट की तलाशी लेने की शक्ति, इसमें गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण बिना जो है ये गिरफ्तारी के बाद जो अनुसरण करने की प्रक्रिया है उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है कि कोई कोर्ट को सूचित को नहीं करना। सबसे खतरनाक धारा है, इस धारा में कहा गया है कि कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ, उनको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक, ये यही तो पुलिस राज, फिर न्यायालय क्या, फिर संविधान क्या है?